हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक सवाल जो बच्चों का रहता है हमेशा कि सर अगर क्वेश्चन गलत है तो उसमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, और किनको मिलेंगे, जिन्होंने सॉल्व किया था सिर्फ उनको मिलेंगे या जिन्होंने छोड़ दिया था उनको भी मिलेंगे। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके ICSI के सजेस्टेड में दिखेंगे। तो ये FM का आपका एक पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में है नहीं। ये मैंने MCQ सीरीज़ में पढ़ाया हुआ है सर। तो इसका 39 लाख समथिंग आंसर आता है और ऑप्शन में है नहीं। तो अगर आप इसके नीचे आंसर्स देखेंगे, और काफ़ी बच्चों ने ऑटोमेटिकली नोटिस किया होगा, बट स्टिल एक वीडियो बनाना ज़रूरी था कि काफ़ी बच्चों को अभी भी नहीं पता। तो आप देखोगे यहाँ आंसर में एस्ट्रिक लगा हुआ है। देखो 55 में एस्ट्रिक लगा हुआ है, और एस्ट्रिक क्या बोलता है, द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। हेयर द कैंडिडेट्स वेदर अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन और नॉट मे बी अवॉर्डेड मार्क्स, ठीक है, लिखा हुआ है वेदर अटेम्प्टेड और नॉट। इसलिए तो क्या रिकमेंड करूंगा मैं कि अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है तो बेटर है आप छोड़ के आइए, ठीक है, छोड़ के आइए। तो अगर गलत होगा तो वैसे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पर अगर गलत नहीं निकला तो एटलीस्ट आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन आपको लगता है गलत है, ऑप्शन में आंसर नहीं है, प्लीज़ स्किप दैट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन गलत होगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, और क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा। प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका टेंशन उतरे और वो ज़्यादा नेगेटिविटी में ना जाए, ज़्यादा पैनिक ना फैलाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।